फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। दुल्हन पार्टी वेयर लहंगा एवं ज्वेलरी रेंट पर उपलब्ध। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी परकोटा सागर। सबसे बड़े दानों में से एक दान होता है कन्यादान। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो अब तक लगभग 18,000 से भी ज्यादा कन्यादान ले चुके हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। हर साल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, लेकिन गढ़ाकोटा में होने वाला सम्मेलन हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। मंगलवार को यहां 18वां पुण्य विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 1048 वर वधु ने हिस्सा लिया और परिणय सूत्र में बंधे। नेता प्रतिपक्ष पुत्र अभिषेक भार्गव ने परिवार समेत विकलांग जोड़े का कन्यादान किया। कार्यक्रम को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। पिछली साल की तरह इस साल भी स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई थी। अभिवादन कर रहे हैं स्थानीय गढ़ाकोटा के नगरवासी और जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सी एस शुक्ला जी भी उपस्थित हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जानकारी दी। लगभग 1000 जोड़ों का पंजीयन हुआ है, कुछ बाल में आए हैं, अभी सही संख्या तो, लेकिन 1000 लगभग मान के चले। इस वर्ष 1000 वर वधु दाम्पत्य सूत्र में बनने जा रहे हैं इस कन्यादान योजना के अंतर्गत, और सभी प्रकार की जैसी व्यवस्थाएं गत वर्ष हुई थी वो व्यवस्थाएं इस साल भी की हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले चेक के माध्यम से राशि देते थे, अब RTGS होगा तो सीधे अकाउंट में उनकी राशि पहुंच जाएगी, और मुझे विश्वास है कि समय पर राशि सबकी पहुंच जाएगी। जो मैं अपनी तरफ से उपहार सामग्री देता था वो अभी यहीं स्कूल में से दे रहे हैं, उसको सामग्री भी और भोजन इत्यादि की भी सारे के सारे जो बना के पैकेट तैयार किए हम सब ने। इस बार स्विमिंग पूल में नहा रहे सब काफ़ी विकलांग जोड़े आए हैं। एक दो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमने योजना शुरू की थी गत वर्ष कल्याण योजना, जिसमें कोई महिला यदि विधवा हो जाए और वह किसी अविवाहित लड़के के साथ शादी करना चाहे या लड़का करना चाहे, ये हम लोगों ने विधवा महिलाओं के एक प्रकार से रिवर्टाइजेशन के अपने मतलब उनका पुनर्वास के लिए योजना बनाई थी। उस योजना में भी एक दो जोड़े पंजीयत हुए हैं तो उनके लिए भी राशि का प्रावधान है, तो जैसे ही उनको सर्टिफिकेशन हो जाएगा इसका और प्रमाणीकरण के बाद उनके लिए भी राशि मिलेगी, विकलांग के लिए मिलेगी। यदि कोई सामान्य वर्ग का अनुसूचित वर्ग के साथ में शादी करता है तो उसके लिए भी प्रावधान। वहीं इसके अलावा गोपाल भार्गव ने अपने पुत्र अभिषेक भार्गव को लेकर कहा कि वह पूरा क्षेत्र देखता है। देखो राजनीतिक विरासत तो पहले से संभालता, काम मारे करता था सारे, और अच्छी बात यह है, सौभाग्य है कि बच्चों में ये एक कर्मशीलता जो है वो आई, और अच्छी बात उससे ये है कि जो आजकल राजनीतिक परिवारों में थोड़ा सा गर्राहट व्यसन इत्यादि है, प्रभु कृपा से सबसे मुक्त है, तो सबसे बड़ी बात यह है। और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसी ने की हैं, राजनीतिक आवश्यकता भी कुछ ऐसी है नहीं, विधानसभा लोकसभा के सारे चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हमने एक परंपरा बनाई 18 वर्ष पहले, मन से दिल से आत्मा से मन के अंदर से कि हम इसको राजनीतिक स्वरूप नहीं, और ये हमने जब शुरू में किया था 2001 में हम अपोजिशन में विधायक थे, हमारी सरकार नहीं थी, शिरारी गांव से हरिजनों का किया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि सरकार इसमें नहीं भी करे सहायता तब भी हम उसके मोहताज नहीं रहेंगे, हम लोग अपनी दम पर यह कार्यक्रम करते। आज की तारीख तक एक पैसा भी मुझे सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है और न मैंने अभी दावा किया है कुछ, न मैंने मांगा है, न कुछ भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब सरकार के भरोसे यदि हम ये सब काम करेंगे तो फिर हम हो सकता है कि पराधीन रहें और ये ऐसी सब सारी व्यवस्थाएं जैसी आपको दिख रही शायद नहीं हो पाए, तो सरकार करेगी तो करेगी,
सरकार का दायित्व वो भी पूरा करेगी और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि सिर्फ सरकार के कारण, सरकार तो ऐसा है कि आपको यदि जब भी भेजना होगा तो पैसे ही भेजेगी, लेकिन ये 15-20 दिन से खड़े होकर ये पंडाल गढ़वाना बनवाना, वेदियाँ बनवाना, पूजन सामग्री लाना, भोजन की व्यवस्थाएँ करना, अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएँ होती है, कन्यादान में कम नहीं होती। अब ये मालाएँ भी हमने भोपाल से मंगाई, ये वरवधु को पहनाने के लिए 2000 मालाएँ कम से कम चाहिए। तो सारी चीज़ें, ये तो कस्बा है, यहाँ पे तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, बाहर से सारी चीज़ें बुलाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। इस सब के बावजूद कर रहे हैं, लोगों का स्नेह प्रेम है, अंत में समझते हैं लोग और खूब। ऐसा कार्यक्रम प्रदेश में शायद ही कहीं होता हो, देश में शायद ही कहीं होता हो। तो जब भावना जुड़ जाती है तो फिर कहीं कोई दुविधा नहीं रह जाती, कहीं कोई दुविधा। इतना बढ़िया माहौल, इतना पवित्र कार्य देख करके किसे अच्छा ना लगेगा भाई है? मुझे बहुत प्यार अच्छा लगा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हर साल के समान इस साल भी गोपाल भार्गव जी ने किया है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ और दीपू को उसके इस काम के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, लगभग हर वर्ष 1000 से ज़्यादा जोड़ों का टारगेट रहता है, इस वर्ष भी लगभग 1034 जोड़े आंकड़ा लगभग अभी इन्हीं दिन में भी रजिस्ट्रेशन होते जाते हैं। लगभग 1050 के लगभग रजिस्ट्रेशन इस बार हो जाएंगे और इसमें ही कन्यादान अपने विज्ञान जोड़ों के कन्यादान जी। हाँ, इस बार देखिए क्या रहता है कि कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के निमित्त हम लोग नहीं देखते, इस पूरे कार्यक्रम से मेरे पूरे परिवार की भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। तो जब कभी ऐसा मौका लगता है, ऐसा कोई जोड़ा हमें दिखता है जिससे अटैचमेंट होता है, तो आज ही ऐसा एक जोड़ा, एक बच्ची जो आंखों से अंधी थी और उसका पति था जो गैर से विकलांग था, तो मुझे लगा कि साफ अपनी कन्यादान लेना चाहिए। मैंने अपने हृदय की आवाज़ सुनते हुए उसका कन्यादान लिया है और केवल कन्यादान ही नहीं लिया है, आने वाले भविष्य में जब तक मैं जीवित रहूँगा उस परिवार की देखरेख का जिम्मा मुझे रहेगा। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर। खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास, हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। दुल्हन पार्टी वेयर लहंगा एवं ज्वेलरी रेंट पर उपलब्ध। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी परकोटा सागर।